आज की तेज रफ्तार दुनिया ने कृषि को भी प्रभावित किया है। पुराने और रिवायती ढंग से खेती हमारे लिए कष्टदायी और समय की बर्बादी लगने लगी है। शहर की ओर पलायन के कारण खेतों में काम करने वाले मजदूरों की कमी एक आम बात बनकर रह गई है। कृषि व्यवस्था की ये एक जमीनी सच्चाई है। इस सच्चाई को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने बखूबी समझा और हिमाचल प्रदेश में कृषि अनुसंधान और उसके साधनों के आधुनिकीकरण की एक कार्य योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। हमारे किसान कृषि में अधिक रुचि लें तो ये आवश्यक हो जाता है कि हमें हिमाचल प्रदेश जो एक पहाड़ी राज्य है उसके अनुकूल कृषि यंत्र बनाएं। हमें हिमाचल प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन हमें एक परियोजना मिली है जिसमें हमने कृषि यंत्र बनाए हैं जो किसानों को दिए जा रहे हैं और मुझे आशा है कि किसान इसका फायदा उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है, इसके बावजूद हजारों हेक्टेयर भूमि पर शुद्ध रूप से कृषि की जाती है। पुरुष के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं भी खेतों में काम करती हैं। यहां सीढ़ीनुमा खेत दिखाई देते हैं। इस कारण असमतल भूमि पर खेती करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। कई विपरीत परिस्थितियों में भी यहां के किसानों को काम करना पड़ता है। यदि पर्वतीय खेती में आधुनिकीकरण या मशीनीकरण को महत्व नहीं दिया गया तो यहाँ के युवा किसान मजबूर होकर खेती को छोड़ देंगे, जिससे प्रदेश की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इस तरह के सभी बुनियादी तथ्यों पर शोध और अध्ययन के बाद ही आधुनिक कृषि यंत्रों को विकसित किया गया है। ये विभाग जो है रिसर्च जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोध एवं विकास के लिए सतत प्रयास कर रहा है, जिसमें बहुत से यंत्र मनुष्यों द्वारा, जानवरों द्वारा या यांत्रिक शक्ति द्वारा विकास किए गए हैं, विकसित किए गए हैं, और उन यंत्रों को चलाने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 1-3 दिन का या 1 हफ्ते का, इवन 15 दिन का हम प्रशिक्षण देते हैं। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के अभियांत्रिक विभाग के द्वारा विकसित की गई आधुनिक कृषि यंत्रों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। पावर टिलर। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए पावर टिलर काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। महिलाएं भी इसे चला सकती हैं। इस कृषि विश्वविद्यालय के तत्वाधान में पावर टिलर को पूर्ण रूप से इवेल्युएट कर किसानों को रिकमेंड भी किया गया है, जिसका इस्तेमाल किसान अपने खेतों में और किराए पे चलाकर अधिक धन अर्जित करने के लिए कर रहा है। ये जो हमने यूनिवर्सिटी में पावर टिलर देखा 13 हॉर्स पावर का, इसके बहुत से फायदे हैं। जैसे इसके साथ जो है हम एक तो आदमी के काम करने का तरीका बदल जाएगा, दूसरा इसमें आदमी कम लगेंगे, और इसके साथ बिजाई गुड़ाई जो भी करना चाहे हम किसान जो वो कर सकता है इससे, और बहुत ही आसान तरीका है। इसके साथ हम अगर खेत के अंदर पानी है तो उसको भी हम लिफ्ट करके बाहर फेंक सकते हैं। दोहरा हल। इस हल का नाम रिवर्सिबल प्लो यानी दोहरा हल है। ये पावर टिलर के साथ चलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दोनों ओर मतलब दाएं और बाएं मिट्टी को पलटता है और मिट्टी के ढलाव को परिवर्तित करने का काम पूरी सक्षमता के साथ करता है। खेतों में मौजूद खरपतवार और कीड़े मकौड़ों को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसमें हिचिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, साथ ही लीवर का भी प्रावधान है जिसके सहारे शेवर को मूवमेंट दी जाती है। बहुफसलीय बुआई यंत्र। इसे बहुफसलीय बुआई यंत्र कहते हैं। पावर टिलर की मदद से इसका प्रयोग खेतों में किया जाता है। इसमें 6 बॉक्स मौजूद हैं, जिसमें बीज और खाद डाले जाते हैं। ये 3 पंक्तियों में एक साथ काम करता है। हिच सिस्टम के साथ पावर टिलर को जोड़ा जाता है। ग्राउंड व्हील के द्वारा मूवमेंट होती है।
चेन और एस पॉकेट मौजूद है जिसके द्वारा रोटर्स को गति मिलती है। लीवर खाद की मात्रा को निश्चित करता है। फ्रो ओपनर के माध्यम से बीज और खाद खेत में गिरता है। आलू बुआई यंत्र। आलू की बुआई के लिए इस यंत्र को विकसित किया गया है। आलू खाद और मेड़ तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर भी कहते हैं। इसमें हिच सिस्टम के साथ पावर टीलर और पोटैटो प्लांटर को जोड़ते हैं। रोटेटिंग रिंग की मदद से आलू डाला जाता है। ये घूमकर आलू को जमीन पर गिराता है। इसमें आलू रखने के लिए बॉक्स भी लगाया गया है। इसमें फर्टिलाइजर बॉक्स भी मौजूद है। सबसे पहले फर्टिलाइजर फ्रो ओपनर में पहुंचता है और रोटेटर के रास्ते निश्चित मात्रा में खेत तक पहुंचता है। यंत्र के नीचे रिजर लगाया गया है। रिजर मेड बनाता है जिसमें चेन और एस पॉकेट होते हैं जो रोटेटिंग विंग को घुमाने में मदद करते हैं। फसल कटाई यंत्र। इस यंत्र का नाम फसल कटाई यंत्र है। इसके द्वारा गेहूं धान इत्यादि की कटाई होती है। इसमें 1.2 मीटर का कटर वार लगा हुआ है जो फसल को विंड रो फॉर्म में गिराता है। इसमें पुली गियरबॉक्स कन्वेयर बेल्ट मौजूद है। इसे इंजन के द्वारा पावर प्राप्त होती है। ये जमीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर कटाई करता है। इसमें 1 घंटे में 1 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है और 1 घंटे के अंदर 3 से 4 कनाल फसल की कटाई हो सकती है। आलू खुदाई यंत्र। आसानी से आलू की खुदाई के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। खेतों में मौजूद आलू की मेड़ को खोदकर आलू बाहर निकाला जाता है। ये पावर टिलर के साथ चलता है और हिचिंग सिस्टम को पावर टिलर से जोड़ता है। इसमें वी आकार का शेवर मौजूद है जिसमें रॉड लगे हैं। इसकी मदद से आलू को मिट्टी से अलग किया जाता है। थ्रेशिंग यंत्र। ये थ्रेशिंग मशीन है। गेहूं काटने के बाद फसल को थ्रेशिंग मशीन में डाला जाता है। इसमें ब्लोवर मौजूद है जो भूसे को अलग कर देता है। इसे पावर टीलर के साथ चला सकते हैं। पावर टीलर में 15 हॉर्स पावर का इंजन होता है। धान थ्रेशिंग यंत्र। इस यंत्र का नाम पैडी थ्रेशर है। इसके द्वारा धान की थ्रेशिंग होती है। इसमें थ्रेशिंग ड्रम बेल्ट और पुली मौजूद है। मोटर बेल्ट और पुली को मूवमेंट प्रदान करता है। ब्लोवर के द्वारा खरपतवार को अलग कर सकते हैं। धान की फसल को अलग करने के लिए सीप भी मौजूद है। इस यंत्र के द्वारा 1 घंटे में 1.5 क्विंटल धान की थ्रेशिंग की जा सकती है। हल। ये हल है, लोहे का हल। इस हल को एसएस प्लो भी कहते हैं। ये बैलों के द्वारा खेतों में चलाया जाता है। खेतों को तैयार करने में ये बेहद उपयोगी है। पालम हल। इसी प्रकार पालम हल को भी विकसित किया गया है। ये पारंपरिक हल की ही तरह है। इसे इस्तेमाल करने से खेतों में ढेले कम से कम बनते हैं। इस हल की यही सबसे बड़ी विशेषता है। इस हल में लोहे का फाल अलग से त्रिकोणीय प्लेट पर नट वोल्ट की मदद से लगाया गया है। फाल के घिसने पर इसको आगे बढ़ाकर अधिक समय तक प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी पलटने वाला हल, सॉयल स्प्रिंग प्लॉ। ये एक ऐसा हल है जो पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत ही प्रचलित है। इसे इस्तेमाल करने के बाद ही खेतों में बीज डाला जाता है। खेतों की मिट्टी को आसानी से पलटने के लिए शोवल लगाया गया है। शोवल की मदद से मिट्टी को पलटा जाता है। हिचिंग सिस्टम के द्वारा बैलों को जोड़कर चलाया जा सकता है। इसके अलावा बैलों को जोड़ने के लिए बांस के प्रयोग का भी प्रावधान है। रिजर। रिज बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुफसलीय बिजाई यंत्र। इस यंत्र का नाम बहुफसलीय बिजाई यंत्र है। इसके द्वारा अलग अलग प्रकार के बीज
और खाद डालने का प्रबंध किया गया है। ये यंत्र बीज और खाद को संचालित करता है। चेन के द्वारा रोटर्स के मूवमेंट से बीज और खाद सही मात्रा में खेतों में गिरता है। जो कृषि यंत्र हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनके फाइनल करते हैं और उसके बाद फिर ये जो इम्प्लीमेंट है इनको कमर्शलाइजेशन करने के लिए हम बाहर भेजते हैं। जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट भेज सकते हैं या दूसरी दौर भी कंपनियां वहाँ इनको भेज सकते हैं। बीज रोपाई यंत्र, इसे बीज रोपाई यंत्र कहते हैं। इसके द्वारा खेतों में बीज डालने का काम पूरा किया जाता है। इसमें दो बॉक्स मौजूद हैं। बीज और फर्टिलाइजर की सही मात्रा दोनों बॉक्स में डाली जाती है। इसे चलाने के लिए एक आदमी पीछे हैंडल को पकड़ता है और दूसरा आगे से खींचता है। इसमें एक लीवर लगा होता है जो बीज की मात्रा को निश्चित करता है। पाइप के रास्ते बीज ओपनर में पहुंचता है। धान रोपाई यंत्र, पैडी ट्रांसप्लांटर, मतलब धान रोपाई यंत्र। इसके द्वारा धान की रोपाई का काम व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाता है। इस यंत्र के द्वारा एक समय में 6 पौधों की रोपाई की जा सकती है। इस यंत्र में 6 रोलर लगे हैं। इसके अलावा लकड़ी के 2 फ्लोट होते हैं जो पानी में तैरते हैं। इसे हैंडल के द्वारा खेतों में चलाया जाता है। धान बिजाई यंत्र, इस यंत्र का नाम पैडी सीडर मतलब धान बिजाई यंत्र है। धान के थोड़े अंकुरित बीजों को खेतों में डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ड्रम यानी बॉक्स लगे होते हैं। आवश्यकता के अनुसार ड्रम की संख्या को निश्चित किया जा सकता है। प्राय 2 या 4 ड्रम का प्रयोग कर 4 या 8 लाइनों में एक साथ धान के बीज लगाए जा सकते हैं। ड्रम प्लास्टिक का बना होता है। इसमें होल्स के द्वारा बीज ड्रम्स में डाला जाता है। ड्रम प्लास्टिक का बना होने के कारण हल्का होता है। इसे हैंडल के द्वारा चलाया जाता है। गेहूं बिजाई यंत्र, इस यंत्र को गेहूं बिजाई यंत्र कहते हैं। इसमें चेन और सपोर्ट रोलर लगे हैं, साथ ही ग्राउंड व्हील भी मौजूद हैं। ग्राउंड व्हील के द्वारा चेन रोलर को मूवमेंट देती है। इस मूवमेंट के कारण बीज सीड ट्यूब से होते हुए नीचे फ्रो ओपनर में जाता है। इस प्रकार निश्चित गहराई और निश्चित बीज खेतों में गिरता है। इसे हैंडल के द्वारा चलाया जाता है। ड्राइविंग व्हील यंत्र को ताकत प्रदान करता है। लहसुन बिजाई यंत्र, लहसुन बिजाई के लिए इस यंत्र को विकसित किया गया है। बीज डालने के लिए कप्स मौजूद हैं। फीड होपर के साथ ओपनर के रास्ते बीज खेत की गहराई में गिरता है। इसमें हैंडल के साथ लगे यंत्र में लहसुन के अलावा दूसरा बीज भी लगाया जा सकता है। हलोडर, खेतों में हलोड करने के लिए उपयुक्त यंत्र है। जब धान की फसल 20 से 22 दिनों की हो जाती है तब घास पतवार आ जाते हैं। इस कारण हलोड करना जरूरी होता है। इसे बैलों के द्वारा खेतों में चलाया जाता है। ये पालम हल का छोटा रूप है। इसका वजन बहुत कम होता है। इसे हैंडल के द्वारा भी चलाया जाता है। गुड़ाई यंत्र, इस यंत्र का नाम गुड़ाई यंत्र है। खेतों में निराई गुड़ाई में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 फ्रोक्स लगे होते हैं। इसके द्वारा सोयाबीन या मक्का की फसल की गुड़ाई होती है। अभी जो हमने यहाँ पर मशीनें देखी, जैसे बिजाई की मशीन है, कणक बिजाई की मशीन है, मक्की की बिजाई की मशीन है, फिर कटाई की मशीन है, तो उनसे हमें काफ़ी का उत्साहित हुए, हमारा हौसला बढ़ा कि हम खेती कर सकते हैं बड़े आराम से और कम कीमत में। कोनो वीडर, इस यंत्र को कोनो वीडर कहते हैं। इसके द्वारा धान के खेत में गुड़ाई का काम किया जाता है। इसमें एक हैंडल मौजूद है। इस हैंडल की मदद से इसे खेत में चलाया जाता है। इस यंत्र में 2 कोण लगे होते हैं। ये कोण मिट्टी में घूमते हैं।
जिसके कारण मिट्टी में मौजूद घास की मिक्सिंग हो जाती है। यंत्र के अगले भाग में लगा हुआ फ्लोट पानी में चलने में मदद करता है, जिसके कारण इसे चलाना बहुत ही आसान है। दांतेदार हसिया, यह दांतेदार हसिया है। इसमें दांत मौजूद हैं। इसे बार बार तेज या साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ग्रिप भी अच्छी बनती है और फसल की कटाई 10% ज्यादा और बेहतर ढंग से हो सकती है। ट्यूबलर मक्का शेलर, मक्का से दानों को निकालने के लिए इस यंत्र को विकसित किया गया है। पारंपरिक ढंग के मुकाबले इसके द्वारा 3 से 4 गुना ज्यादा मक्के के दानों को निकाला जा सकता है। इसमें फिन्स यानी दांत लगे हुए हैं। ये दांत 2 अलग अलग साइज के हैं, जिसके कारण मक्का छोटा हो या बड़ा, दोनों हालत में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑक्टेगोनल होने के कारण इसमें ग्रिप भी बेहतर बनती है। जो मुख्य बात है कि यहाँ का किसान जो है बहुत कम खेत है उनके पास, और जो उनके पास साधन है, साधन का मतलब यह है कि उनके पास जो काम करने के लिए जो साधन है वो बहुत कम है। यहाँ पर 0.6 किलोवाट पर हेक्टेयर जो है पावर की अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण से जो है किसान अपने खेतों के काम को पूरा अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, और उसके कारण जो है वह जो है अपने खेतों के काम के लिए अगर उसमें पावर टिलर या दूसरे जो आधुनिक यंत्र हैं उसके बारे में अगर उसको जानकारी नहीं होगी तो अच्छा नहीं कर सकता है। इस विभाग के अंतर्गत कृषि यंत्रों के अलावा बायोगैस और सोयाबीन प्रसंस्करण पर भी शोध किया जाता है, जिस पर किसानों को प्रशिक्षण के द्वारा जानकारी दी जाती है। इस कृषि विश्वविद्यालय में बायोगैस डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर को भी स्थापित किया गया है। बायोगैस प्लांट को किस प्रकार स्थापित किया जाए और इसके क्या फायदे हैं, इस संबंध में जानकारी दी जाती है। सोया के अलग अलग प्रोडक्ट्स, मतलब सोया पनीर, सोया बिस्किट, सोया न्यूट्रिएंट्स और सोया आटा इत्यादि को यहाँ तैयार किया जाता है। यहाँ के प्रोडक्ट्स को किसानों को सप्लाई करने के साथ साथ बाजारों में भी भेजा जाता है। अभियंत्रिकी विभाग द्वारा किसानों और उद्यमियों को ट्रेनिंग देने का काम भी प्रदान किया जाता है। कृषि में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार उन्नत फसल हासिल किया जाए, इस संबंध में विस्तृत जानकारी यहाँ प्रदान की जाती है। खेती में जो सबसे ज़्यादा जो आजकल समस्या आ रही है कि उसमें मेहनत बहुत लगती है और मेहनत के साथ साथ समय बहुत लगता है, उसको हम कम कर सकते हैं, और ये तभी संभव है जब इस तरह के यंत्रों का उपयोग हम पहाड़ी खेती में अच्छी तरह से अच्छी प्रकार से करें। इसमें कोई संदेह नहीं कि विकसित कृषि यंत्रों के द्वारा हम बेहतर और व्यवस्थित ढंग से उन्नत कृषि उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब पर्वतीय क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों के साथ साथ नई पीढ़ी और हमारे नवयुवक भी कृषि से जुड़ें और चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों को आगे बढ़ाएं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार यंत्रों के प्रचार एवं प्रदर्शनी पर बढ़ावा दें, यंत्रों के निर्माण के लिए छोटे छोटे फर्मों को बढ़ावा दें, युवा कृषकों को उन्नत कृषि यंत्रों के ऊपर ऋण देकर उद्यमी के रूप में विकास करें,